हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक्रेलिक कलर और फैब्रिक कलर के बारे में। ये वीडियो मैंने खासकर बिगिनर्स के लिए बनाई है, जो कि मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं कि एक्रेलिक कलर और फैब्रिक कलर में क्या डिफरेंस है, वो हमें किस सरफेस में यूज़ करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, तो कौन सा कलर वाटर प्रूफ है, कौन सा नहीं है। अगर हम बॉटल में ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्रेलिक करना चाहिए या फैब्रिक कलर करना चाहिए। अगर हम कपड़े में या जीन्स में अगर हम ये कलर करना चाहते हैं तो एक्रेलिक करना चाहिए, फैब्रिक करना चाहिए। या फिर हमें ड्राइंग बुक में अगर हम कलर यूज़ कर रहे हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, तो एक्रेलिक करें या फैब्रिक करें। तो इन सब चीज़ों का आज आपको डाउट सारा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, जो कि बिगिनर्स हैं जिनको थोड़ी सी मुश्किल आती है कलर्स में कि हमें कौन से कलर्स करने चाहिए। हम बिगिनर्स हैं, हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो खासकर मैंने ये उनके लिए वीडियो बनाई है। तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा उनके लिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी उनको इस वीडियो से कि उनको एक्चुअल में कौन से कलर यूज़ करने चाहिए। कि कोई भी अगर वो सरफेस में यूज़ कर रहे हैं, एक्रेलिक कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी बाद में प्रॉब्लम हो रही है, या फैब्रिक कर रहे हैं गलत जगह कर रहे हैं, तो कहाँ पे उनको कौन से कलर का यूज़ करना है, इन सब चीज़ों का आज डाउट उनको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा, आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे वीडियो देख के। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरी नई नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप मैं आपको पेपर में करके दिखा रहा हूँ। जैसे कोई बिगिनर से ड्राइंग करते हैं तो उनको कलर का अंदाज़ा नहीं आता है कि कलर किस तरीके से यूज़ करना है, या उसमें वाटर हमें कितना मिलाना है, मिक्स करना है। तो जिससे उनकी शिकायत होती है कि ये पेपर हमारा फूल जा रहा है, फट जा रहा है, हमने एक्रेलिक कलर यूज़ किया या फैब्रिक कलर यूज़ किया, दोनों में ही सेम अगर शिकायत आ रही है, तो आपको किस तरीके से कलर यूज़ करना है, कितना आपको कलर लेना है, वो चीज़ मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में पेपर में दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद आपको बॉटल में अगर आप क्राफ्टर करते हैं, या अगर आप कोई जीन्स में या कपड़े में अगर कलर करते हैं, तो उसमें कौन सा कलर करना है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टेप मैं आपको पेपर में दिखा देता हूँ कि अगर आप ड्रॉइंग कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से कलर यूज़ करना है, कितना आपको वाटर लेना है, तो उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा वीडियो में। सबसे पहले मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करता हूँ। अब जैसे कि बिगिनर्स हैं तो वो ब्रश लेते हैं, पानी में डीप करते हैं और डायरेक्ट वो कलर यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद अगर वो कलर यूज़ करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या होता है, वाटर ज़्यादा आ जाता है। कहीं कहीं अगर आपने जैसे कलर यूज़ हुआ वहाँ तो आपका सही है, लेकिन जहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वहाँ से पेपर फूलना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ से देखिए, अभी अब थोड़ी देर में पेपर फूलने लग जाएगा। तो आपको करना है किस तरीके से है कलर, तो आपको इस तरीके से कलर करना है कि अगर आप जैसे पानी में अगर आप वाटर ब्रश डीप कर रहे हैं, तो उसके बाद पहले आप क्लॉथ में उसको हल्का सा पोंछ लीजिए, उसको गीला मत होने दीजिए। जैसे आपने साफ कर लिया, उसके बाद आप कॉटन से पहले पोंछ लीजिए, उसके बाद आप कलर लीजिए। क्योंकि पहली जो आप कलर करेंगे, पहला जो स्टेप होगा कलर का, वो थिक होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ताकि पेपर अगर आप पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी जितना ज़्यादा ही होगा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा पेपर और वो फूलने लग जाएगा। तो इसलिए पहले स्टेप जो आप लेंगे, पहला स्टेप होगा उसमें आप थिक कलर लेंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेप अगर आप फिर से कर देंगे तो उसके बाद फिर से थिक कलर लीजिए आप उसमें, ताकि उसमें जितना भी एब्जॉर्ब करता है पानी पेपर, वो उतना एब्जॉर्ब कर लेगा, सेकेंड स्टेप में वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फिर अगर आप पानी भी यूज़ करते हैं तो जैसे ये ड्राई हो जाता है, और अगर आप इसमें पानी भी यूज़ करेंगे हल्का सा, अगर आपने वाटर ले लिया और थोड़ी सी मात्रा कलर की ले ली, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी हुआ, और शाइनी के लिए अगर आप यूज़ करेंगे वाटर, तो इसमें ये क्या हो, एब्जॉर्ब नहीं करेगा और शाइन आएगी। तो इससे क्या होगा, आपका पेपर ख़राब नहीं होगा, क्योंकि आपने पहली थिक जो लेयर है वो आपने डायरेक्ट एक्रेलिक की करी है, वाटर की नहीं करी है। और अगर आप वाटर की मात्रा ज़्यादा लेंगे तो कुछ देर में देखिए ड्राई होने के बाद ये पेपर बिल्कुल बेकार हो जाएगा, फटने लगेगा और वो क्लियरिटी नहीं आएगी स्केच में, या जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं वो क्लैरिटी उससे नहीं आएगी, क्योंकि एक्रेलिक कलर जो आप लेंगे तो उसमें वाटर का यूज़ बहुत कम होना चाहिए। आप तीसरा या चौथा लेयर जो आप करेंगे उसमें ही आप पानी थोड़ी सी एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लेयर पानी की मत करिए। इस तरीके से आपको फैब्रिक कलर भी यूज़ करना है, चाहे पेपर हो या क्लॉथ हो, आपको सबसे पहले थिक लेयर यूज़ करनी है कलर की। जैसे मैंने यहाँ पे थिक लेयर यूज़ करूँगा तो इसमें क्या है, कलर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि इसमें वाटर नहीं है। अगर इसमें वाटर की मात्रा बढ़ा देता हूँ तो पेपर एब्जॉर्ब करने लगेगा और वहां से बेकार होने लगेगा। अब जैसे मैंने वाटर में डीप कर लिया
और मैं फिर से डायरेक्ट बिना क्लॉथ में पोछे अगर मैं कलर यूज़ कर लूँगा डायरेक्ट, क्योंकि इसमें वाटर की मात्रा बढ़ गई है, अब मैं डायरेक्ट मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो देखिए अब ये कलर का लुक ही चेंज हो जाएगा और ये पेपर एब्जॉर्ब करने लगेगा, पेपर बेकार होने लगेगा। तो इस तरीके से ही आपको कोई भी क्लॉथ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप डायरेक्ट पहले सबसे पहले आप डायरेक्ट कलर ही लगाएं, पानी का यूज़ ना करें, सिर्फ आपको ब्रश वॉश करके उसको कपड़े में पोंछ लेना है। एग्जाम्पल मैं आपको मैं एक ड्राइंग दिखा देता हूँ, जो मैंने ये फ्रॉक बनाया था रिसेंटली, तो इसमें भी मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया था, तो इसमें भी मैंने थिक लेयर यूज़ करी थी एक्रेलिक की, अगर मैं वाटर यूज़ करता तो इसमें पेपर बेकार हो जाता, ये फूलने लगता और बैक से भी ख़राब हो जाता। तो देखिए आप बैक में भी इसमें कहीं भी कलर का आपको नहीं दिख रहा है कि इसने एब्जॉर्ब किया हो, क्योंकि सबसे फर्स्ट लेयर जो मैंने इसमें करी है एक्रेलिक की करी है, इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है। अगर आपको थोड़ी सी शाइन देनी है तो उसमें थर्ड या फोर्थ लेयर में आप हल्का सा पानी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी ज़्यादा नहीं लेना है आपको वाटर, तो आप हल्का सा वाटर लेके एक्रेलिक कलर यूज़ करके तो आप इसमें थोड़ी सी शाइनिंग आ जाती है एक्रेलिक में। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, पेपर आप कोई सा भी हो, चाहे ज़्यादा GSM का हो या कम GSM का हो, तो उसमें भी आप एक्रेलिक कलर अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अगर आप थिक कर रहे हैं कलर। तो सेकंड स्टेप में अगर किसी को बॉटल में क्राफ्ट वर्क करना है, एक्रेलिक कलर या फैब्रिक कलर में कंफ्यूज है कि हम बॉटल में कौन सा कलर यूज़ करें, कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, या बॉटल में अगर वो यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी ग्लॉसी सरफेस में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको कौन सा कलर यूज़ करना है, तो कौन सा सक्सेस है, कौन सा वाटरप्रूफ रहेगा, कौन सा ज़्यादा बेटर है, तो वो चीज़ मैं आपको दोनों इसमें करके दिखा देता हूँ कि कौन सा बेस्ट रहेगा, आपको किस तरीके से कलर करना है वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर इस बॉटल में करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं ये एक्रेलिक कलर इसमें बॉटल में करूँगा। अगर जैसे कोई भी अगर आप डायरेक्ट एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं, चढ़ने को स्टार्टिंग में ये अच्छा ही चढ़ता है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं एक्रेलिक कलर कि आपको बाद में रिस्क होता है कि हम एक्रेलिक कलर कर रहे हैं ये सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा बॉटल में, ये कब तक देर रहेगा, ये टेकेगा बॉटल में या नहीं, वो चीज़ हम रिजल्ट अभी देख लेते हैं तो कौन सा इसमें बेस्ट रहेगा। अब इसके नीचे मैं फैब्रिक कलर यूज़ कर रहा हूँ, फिर ड्राई होने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि कौन सा ज़्यादा सक्सेस है, कहीं ये पील ऑफ तो नहीं हो रहा है, कहीं ये सक्सेस है, किस तरीके से सक्सेस रहेगा, वाटरप्रूफ है या पानी में धोने के बाद ये निकलता है या नहीं, वो चीज़ हम अब इसमें सब पूरा चेक करेंगे। अब मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देता हूँ, जब ये ड्राई हो जाएगा तो मैं आपको इसमें चेक कराऊँगा कि पील ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब ये ड्राई हो चुका है, अब आप देखिए ये एक्रेलिक कलर यूज़ किया है मैंने, यहाँ पे फैब्रिक कलर यूज़ किया है और डायरेक्ट कलर यूज़ किया है, तो अब फिनिशिंग इसकी देखिए कि अगर मैंने डायरेक्ट कलर यूज़ किया है तो इसमें एक्रेलिक में थोड़ी सी फिनिशिंग आ रही है और वहीं पे फैब्रिक कलर में इसकी फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो ये सेकेंड कोड मांग रहा है और ये फर्स्ट कोड में ही एक दो कोड में इसमें आपका देखिए कलर कितना बढ़िया आया है और फैब्रिक कलर में यहाँ पे कलर जगह जगह छूट चुका है। तो अब ये देखना है कि ये पील ऑफ होता है या नहीं, इसकी ये एक्रेलिक कलर मैंने जैसे किया है और अगर कोई हैवी चीज़ इसमें लगे या अगर आप नाखून मारे थे तो ये देखिए ये पील ऑफ हो जा रहा है, आराम से हो जाता है। अब आप कहेंगे कि मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया लेकिन वो कुछ टाइम पे निकल जाता है, अब मैं ट्राई करता हूँ फैब्रिक कलर में, अब ये फैब्रिक कलर में देखिए मैं नाखून मार रहा हूँ तो ये पील ऑफ नहीं हो रहा है, फिनिशिंग नहीं है लेकिन ये पील ऑफ भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये वाटरप्रूफ भी है और काफ़ी देखिए परमानेंट हो चुका है कलर, अब ये निकल नहीं रहा है। अब जैसे ये ड्राई हो जाता है तो इसके बाद आप सेकंड लेयर थर्ड लेयर फैब्रिक कलर की आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी, लेकिन अगर आप एक्रेलिक में चाहे आप थर्ड लेयर करें या फोर्थ लेयर करें तो भी ये पील ऑफ हो जाएगा, बहुत ही आसानी से पील ऑफ हो जाएगा, आप इसको क्लियर कर सकते हैं, देखिए पूरी बॉटल क्लियर हो जाएगी अगर मैंने डायरेक्ट यूज़ किया है। और अगर बाय चांस अगर आपके पास फैब्रिक कलर नहीं है और आपको बॉटल पे वर्क करना है तो एक तरीका और है, आप एक्रेलिक कलर कर सकते हैं और वो पील ऑफ भी नहीं हो सकता। किस तरीके से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यूज़ करना होगा वाइट प्राइमर, ये वाटर बेस है, वाइट प्राइमर आप कहीं भी पेंट की शॉप से ले सकते हैं, कोई भी अगर इसे कोई ग्लॉसी
आपकी जैसे बॉटल है, ग्लॉसी सरफेस है, तो उसमें आप अगर पहले फर्स्ट कोट या सेकंड कोट प्राइमर का करेंगे, वाइट प्राइमर का, उसके बाद आप चाहे एक्रेलिक कलर करिए चाहे फैब्रिक कलर करिए, ये दोनों नहीं निकलेंगे। और भी इसको परमानेंट बनाने के लिए आप इसमें वार्निश का यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप वार्निश स्प्रे यूज़ करिए या लिक्विड स्प्रे करिए। तो कोई भी ग्लॉसी है सरफेस है या बॉटल है, कोई भी अगर आप चीज़ बना रही हैं, टाइल में भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, एक्रेलिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट आपको कोट करना पड़ेगा प्राइमर का, उसके बाद आप उसको वार्निश करिए, तो डबल ट्रिपल उसमें सेफ्टी हो जाएगी और आपकी पेंटिंग हो या कोई भी आर्ट हो वो सिक्योर रहेगा इस चीज़ से। तो अगर आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो देखिए यही हाल होना है, ये पील ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप बॉटल में कर रहे हैं, एक्रेलिक कर रहे हैं, तो आप ये यूज़ करिए। और अगर आपको जैसे ये यूज़ नहीं करना है तो फैब्रिक कलर यूज़ के लिए, लेकिन उसके लिए आपको 2-3 कोट की ज़रूरत इसमें बॉटल में पड़ जाएगी ग्लॉसी सरफेस में। तो वाइट प्राइमर आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप वाइट प्राइमर का यूज़ कर लिए, आपको पता ही होगा वाइट प्राइमर किस तरीके से यूज़ होता है। तो उसके बाद अगर आप कलर करेंगे, मैं इसमें कलर करके आपको दिखा देता हूँ कि प्राइमर करने के बाद भी इसमें कलर किस तरीके से चढ़ता है। तो अब मैं वाइट प्राइमर का फर्स्ट कोट मैं इसमें कर देता हूँ। फर्स्ट कोट काफ़ी नहीं होगा, आपको एक या दो लेयर इसमें चढ़ाने पड़ेंगे। जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिर सेकंड लेयर या थर्ड लेयर चढ़ानी होगी, ताकि उसका लुक थोड़ा सा अच्छा आएगा। अभी मैं आपको फर्स्ट लेयर चढ़ाने के बाद ही इसमें कलर दिखा दूंगा, लेकिन जब भी अगर आप करेंगे तो सेकेंड लेयर या थर्ड लेयर एक्रेलिक की जरूर चढ़ाइए। अब देखिए मैं एक्रेलिक के ऊपर ही प्राइमर का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये पील ऑफ हो जा रहा है एक्रेलिक कलर। तो एक्रेलिक कलर डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो यही होगा, अगर आप प्राइमर यूज़ करेंगे तो उसके बाद ये पील ऑफ नहीं होगा। अगर मैं आपको फर्स्ट कोट में ही आपको दिखा दे रहा हूँ, अब ये ड्राई होने के लिए थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ेगा। अब ये इसके ड्राई होने के बाद मैं आपको इसमें एक्रेलिक कलर यूज़ करके दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से यूज़ होता है। फर्स्ट मैंने अभी इसमें कोट कर दिया है और ये ड्राई हो चुका है, अभी मैं आपको फर्स्ट कोट में ही इसमें कलर करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको सेकंड लेयर या थर्ड लेयर प्राइमर करने के बाद ही उसमें कलर करना है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से मैं आपको फर्स्ट कोट में ही करके दिखा रहा हूँ। अगर आप जैसे प्राइमर कर रहे हैं उसके बाद अगर आप एक्रेलिक कलर करेंगे तो देखिए इसकी फिनिशिंग, उसका लुक अलग ही आएगा। अगर आप फैब्रिक कलर भी कर रहे हैं तो प्राइमर, अगर आप पहला कोट प्राइमर का कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उससे आपकी ड्राइंग या कोई भी क्राफ्ट अगर आप कुछ भी बना रहे हैं तो उससे लुक उसका बहुत ही अच्छा आएगा और उसके बाद ये पील ऑफ भी नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छा बेस्ट रहेगा आपके लिए कि अगर आप प्राइमर यूज़ करते हैं फर्स्ट और उसके बाद देन अगर एक्रेलिक कलर या फैब्रिक कलर यूज़ करेंगे तो उसमें दोनों ही कलर बेस्ट रहेंगे। जैसे कि पेपर में भी अगर आप जैसे यूज़ कर रहे हैं फैब्रिक कलर और एक्रेलिक कलर, तो थिक लेयर जैसे आप चढ़ाएंगे तो दोनों ही कलर उसमें भी बेस्ट हैं, और वैसे ही इसमें भी दोनों कलर बेस्ट हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट चलाएंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया है वो पील ऑफ हो गया था एक्रेलिक कलर, तो प्राइमर पे और उसमें करेंगे यूज़ करेंगे तो उसमें कोई परेशानी आपको नहीं आएगी क्राफ्ट वर्क में। अब आपको थर्ड स्टेप में आपको दिखा देता हूँ कि उसमें आपको कैसे क्या करना है। मैं आपको एक कॉटन के कपड़े में ये कलर करके दिखाऊंगा कि इसमें एक्रेलिक कलर और फैब्रिक कलर कौन सा बेस्ट रहेगा। अगर कोई भी अगर आप जीन्स में ड्रॉ करना चाहते हैं, डिज़ाइन देना चाहते हैं कोई भी कपड़े में या हैंकी में, अगर आप कलर यूज़ करना चाहते हैं, डिज़ाइन देना चाहते हैं, तो कौन सा कलर उसमें बेस्ट रहेगा ताकि आप बाद में वॉश करें तो उसमें भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले मैं ये लेयर चढ़ाऊँगा रेड कलर में एक्रेलिक कलर की। ये भी कलर आप थिक चलाएंगे, आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है, जितना थिक कलर चलाएंगे उतनी ही आपके कलर में उसकी क्वालिटी बेस्ट रहेगी, अच्छी लगेगी, क्योंकि हर जगह इन कलरों में पानी का यूज़ नहीं होता है। सिर्फ आपको ब्रश गीला करना है और उसके बाद उसको पोंछ के फिर आप कलर यूज़ करिए। अब ये मैंने एक्रेलिक कलर किया है और अब मैं यहाँ पे फैब्रिक कलर यूज़ कर रहा हूँ ग्रीन कलर से। उसके बाद ये ड्राई होने के बाद मैं आपको इसमें वॉश करके दिखाऊंगा कि कौन सा कलर इसमें
आपका निकल रहा है, कौन सा इसमें चल रहा है ज़्यादा। लेकिन आप जैसे कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं कपड़े में, तो कपड़ा अगर आप जितना ज़्यादा वॉश करेंगे, चाहे वो फैब्रिक हो या एक्रेलिक हो, वो कुछ टाइम में फेड होगा ही। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि उस कपड़े पे अगर आप कोई भी डिज़ाइन दे रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा वॉश आप उसको ना करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जितना वॉश करेंगे आप वो उतना धीरे धीरे फेड होता रहेगा। अब इसको मैं ड्राई होने के लिए छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसे कि मैंने इसमें एक्रेलिक कलर, रेड कलर जो है एक्रेलिक कलर का है, ग्रीन कलर फैब्रिक कलर का है, तो अब मैं इसको वॉश करके आपको दिखाऊंगा कि इसमें कलर इसमें कौन सा टिकता है, कौन सा चलता है, कौन सा नहीं चलता है। इसमें अगर इसका कोई कलर उतरता है, कौन सा कलर उतर जाता है वॉश करने के बाद। अब ये देखिए, मैं एक्रेलिक कलर है ये रेड कलर में, तो ये रेड कलर हल्का हल्का सा उतरने लगा है, और ये है फैब्रिक कलर। तो मैं इसको वॉश कर रहा हूं, तो देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। अब कुछ टाइम बाद अगर आप दो तीन वॉश में ये एक्रेलिक कलर करेंगे तो ये निकल जाएगा एक्रेलिक। तो कपड़े में आप फैब्रिक कलर का ही यूज करिए, ये परमानेंट कलर रहता है। ग्रीन कलर जो ये फैब्रिक का है, तो कोई भी आप कॉटन कपड़े में जीन्स का डिज़ाइन देते हैं तो ये आपका फैब्रिक कलर ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर ये कलर अगर आप एक्रेलिक कलर यूज़ करेंगे और आप कपड़े को वॉश करते हैं तो कुछ टाइम बाद ये निकलना शुरू हो जाएगा। अभी भले ही ये नहीं निकल रहा है, लेकिन एक दो वॉश के बाद ये पूरा निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए कपड़े के मामले में ये फैब्रिक कलर ज़्यादा बेस्ट रहता है। और आई होप आपको इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल चुकी होगी कि आपको कौन से कलर कहाँ यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा सा डाउट रहता है इन चीज़ों का कि कलर हम किस तरीके से यूज़ करें, कैसे करें। तो स्टार्टिंग में हर किसी को प्रॉब्लम होती है कलर में, तो खासकर मैंने उन्हीं के लिए बनाई है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन करा था कि हम कलर किस तरह से यूज़ करें, क्योंकि मैंने ज़्यादातर ड्राइंग्स में 3D ड्राइंग्स जो होती हैं, मैं आप सारा कलर एक्रेलिक कलर ही यूज़ करता हूँ। तो लोग पूछते हैं कि मैंने किस तरीके से एक्रेलिक कलर यूज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी वो थिक होता है, तो लोग जैसे यूज़ करते हैं तो उनके पेपर भी थोड़े से बेकार हो जाते हैं, कलर उनको यूज़ करना नहीं आता है। तो अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी अच्छी रही होगी, तो इस बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।